अल्लाम कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो आज का ब्लॉग स्टार्ट किया मैंने तीन बजे जब मैं सोई हुई थी तो हमारी बेल बजी तो पार्सल वाला आया आयत गई पार्सल लेके आई है मामा इसे अब भी ओपन करें और मुझे उठने नहीं दिया बेड पे बैठे बैठे मुझे कहती है अभी खोले बहुत एक्साइटेड थी तो उसके ना एक्चुअली उसी की चीज़ें आई थी ज्वलरी ऑर्डर की थी मैंने छोटे छोटे से टॉप्स देखे थे फर्स्ट टाइम मैंने ज्वलरी ऑर्डर किया ऑनलाइन अदरवाइज मैंने ऑनलाइन कभी ज्वलरी ऑर्डर नहीं की तो मैंने कहा लैस ट्राई देखते हैं कैसी क्वालिटी निकलती है तो मैंने बहुत ज्यादा कॉस्टली वाले नहीं मंगवाए थे बहुत ही रीजनेबल प्राइस थी इनकी तो मैंने कहा अच्छा चले इसको ट्राई करते हैं अगर इसकी क्वालिटी अच्छी निकल आई तो फिर आप कॉस्टली भी मंगवा सकते हैं तो ये मैंने मंगवाए थे ये मैंने अपने लिए एक मंगवाए थे और दो आयत के लिए टॉप्स मंगवाए थे ये तीनों मुझे सेवन हंड्रेड पे में सेवन हंड्रेड में मिले प्राइसिंग इनकी नॉर्मल थी ठीक थी, थी तो आ, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी मुझे पसंद आए अब ये है कि चलें नेक्स्ट टाइम आप कोस्टली भी चीज़ ऑर्डर कर ही सकती हैं तो आई एम सेटिस्फाइड उसके बाद जी मैंने कहा अब मैं उठ गई हूँ तो चले खाना बना लेती हूँ बार बार पूछ रही थी आज क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आ रही थी फिर मैंने कहा चले आज ना सर्दियाँ हैं तो आलू मटरों वाले चावल बना लेती हूँ तो साथ में थोड़ी फिश पड़ी हुई थी उसको भी सोचा फ्राई कर लूँगी तो कुछ बनाने इतनी ज़्यादा सर्दी होगी है कुछ भी उठ के ना करने को दिल नहीं करता जब मैं स्कूल से आती हूँ ना तो मैं आते ही पहले सबसे पहले आयत को और हस्बैंड को नाश्ता देती हूँ खुद भी करती हूँ आके उसके बाद ही मैं लेट जाती हूँ फिर बहुत मुश्किल होती है इतनी ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है उधर से छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं उधर से सर्दी ज़्यादा बढ़ गई है अच्छा वैसे गवर्नमेंट ना हमेशा दिसंबर में छुट्टियाँ देती है मेरे ख्याल में जनवरी में छुट्टियाँ होनी चाहिए बिकॉज ऑफ इस मंथ में बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की सर्दी होती है तो इसी मंथ में छुट्टियाँ होनी चाहिए थी पूरा मंथ एटलीस्ट लीस्ट छुट्टियाँ होनी चाहिए थी लेकिन चलें बच्चों को छुट्टियाँ हो जाती हैं बाकी जो मैनेजमेंट का स्टाफ होता है टीचर्स को उनको तो फिर भी नहीं देते हैं तो मैं भी जाती हूँ इन डेज में स्कूल आ, बहुत थोड़े टाइम के लिए जाते हैं लेकिन जाते हैं ओबियसली जा, आप मैनेजमेंट में हैं तो आपको बहुत सारे काम होते हैं जो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करनी होती है बहुत सारे काम करने होते हैं अच्छा मैं अपने जॉब की और स्कूल की बातें लेके बैठ गई तो यहां जो मसाला भून के मैंने उसमें आलू मटर डाल दिया आलू मटर मैंने कभी भी नहीं फ्राई किए मसाले में मसाले में डालते ही मैं उसमें पानी ऐड कर देती हूँ उसे पकने के लिए रखा रायता बनाने लगी थी सारा कुछ काट के रखा हुआ था तो आ कहती नहीं मामा रायता मैंने बनाना है तो बस जी थोड़ा गिराते हुए थोड़ा फलाते हुए इसने ना रहता बना ही दिया है तो ये जी रायता बन गया था बहुत अच्छा बना था तो इसको बहुत शौक है छोटे छोटे से किचन में आके ना घुस के न, काम करने का बट मैं इसे बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि आप मत आया करो आप जस्ट थोड़ी सी जब वीडियो बनानी होती है तब आ जाया करो ऐसे काम मैं आपसे कुकिंग के नहीं करवा सकती हूँ अभी आपकी एज नहीं है दूसरा आपने पढ़ना है तो बस फिर भी इसको बहुत शौक है मैं थोड़ी सी फ्राइज बना लूँ मैगी बना लूँ या फिर मैं रता बना दूं आ, एक दिन मुझे कह रही थी मम्मा मुझे चाय बनाना भी सिखा दे मैंने कहा नहीं 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 आया था अभी नहीं अभी ये बहुत छोटी हो आप तो अभी मामा है ना सारा कुछ करने के लिए अच्छा जी उधर चावलों को मैंने दम पे लगा दिया था तो सार रहता भी बन गया था मैंने कहा चले फ़िश फ्राई कर लेती हूँ साथ सर्दियाँ फिर सर्दियों में ही खाने का मज़ा आता है तो मैंने तवे के ऊपर ना थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको फ़िश को फ्राई किया बहुत ही अच्छी बनी ये ना फिश ना मुझे अम्मी ने ना मसाला लगा के भेजी हुई थी आ, लास्ट वीक मैं अम्मी के घर रहने गई थी तो अम्मी ने तब मसाला लगा के दी थी तो बहुत मज़े का मसाला मेरी सिस्टर ने लगाया था तो बहुत मज़े का लगाया उसने तो ये मैंने फिश फ्राई की और बहुत मज़े का डिनर किया आज ये है मेरा इवनिंग रूटीन अच्छा जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें तो यहाँ मैंने प्लेटिंग की थी अपने लिए और आयत के लिए आयत बहुत थोड़े से खाती है उसे मटरों वाले चावल पसंद नहीं रोटी ज़्यादा शौक से खाती है बन आप बिरयानी या पुलाव टाइप की चीज़ उसे दें वो उसमें इतनी ना शौक़ से खाती नहीं है तो यहाँ जी खाना शाना खा लिया था रात को हस्बैंड आए उनको भी खाना छाना खिलाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तला जितना कुछ नमाज दे उनकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए उसके बाद जी सर्दी बहुत होती है तो हस्बैंड आए तो मैंने कहा चले कॉफ़ी बना लेती हूँ उनके लिए और अपने लिए तो यहाँ जी मैंने बनाई थी कॉफ़ी क्रीमी सी बहुत मज़े की बनी है तो ये देखे जी बीटर ना भी हो तो आप हाथ से बीट करके ना एटलीस्ट दो से तीन मिनट लगते हैं और इतनी मज़े की कॉफ़ी बन जाती है ये था मेरा आज का व्लॉग होपली आप लोगों को पसंद आया होगा मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ और रूटीन के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़